वेलकम बैक टू स्मार्ट कुकिंग इट्स सिंपल कुक स्मार्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट कुकिंग इट्स सिंपल कुक स्मार्ट। मैं आज सिखाऊंगी आप लोगों को मलाई कुल्फी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैं घर में कैसे बनाती हूँ मलाई कुल्फी। मलाई कुल्फी बनाने के लिए पहले मैंने गैस को ऑन किया है, उसमें अभी मैं ऐड करूंगी 1/2 लीटर मिल्क। अभी मिल्क को बहुत अच्छे से उबालना होगा। देखिए दूध बहुत अच्छे से उबाल गया है, अभी मैं गैस को धीमे कर दूंगी। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 50 ग्राम मिल्क पाउडर। मैंने गैस को स्लो किया है फ्रेंड्स, अभी मैं इसे धीरे धीरे अच्छे से मिलाऊंगी। अच्छे से इसे मिलाना होगा फ्रेंड्स, नहीं तो अगर मिल्क पाउडर की गुठलियाँ अगर रह गई तो ये अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसमें मुझे ऐड करना है कॉन्डेंस मिल्क। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क ऐड किया है फ्रेंड्स। अब इसे अच्छे से धीरे धीरे फिर से मिलाइए। अभी फ्रेंड इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसे बहुत अच्छे से धीरे धीरे फिर से इसे अच्छे से स्टेयर कीजिए, नहीं तो फिर गुठलिया रह जाएगा। अभी गैस को बढ़ा दीजिए, उसका फ्लेम अभी बढ़ा दीजिए। अभी इसे अच्छे से धीरे धीरे स्टर कीजिए। अभी इसे बहुत ही गाढ़ा बनाना है फ्रेंड। अभी इसमें ऐड कीजिए 50 ग्राम चीनी या शुगर। मैं अपने अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप 50 ग्राम ऐड कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ, जस्ट 1 ड्रॉप्स फ्रेंड्स। मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो चुका है, अभी इसमें मैं ऐड करूँगी, मेरे पास थोड़ा रफली चॉप्स काजू एंड आमंड्स है, तो उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ। आप जो चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स टाइप्स। अगर पिस्ता हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं, मेरे घर में पिस्ता भी है नहीं, तो मैं जो है वही मैं ऐड कर दे रही हूँ। अभी मैं गैस ऑफ कर लूँगी और इसे अभी ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद इसे मैं कुल्फी मोल्ड में डाल लूँगी। अभी देखिए ये पूरा ठंडा हो चुका है, अभी मुझे इसे धीरे धीरे कुल्फी के मोल्ड में धीरे धीरे इसे डाल देना है।
देखिए एक एक करके मैंने सारे कुल्फी मोल्ड में इसे डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ। मेरे पास ऐसा ही मोल्ड है, कुल्फी मोल्ड, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, किसी भी आप शॉप में इसे पा सकते हैं। अभी इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए दे रही हूँ। फ्रिज में मैंने इसे 6-7 घंटे के लिए जमने को दिया था। अभी मैं इसे बाहर निकाल के रखा है। मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें तो थोड़ा पानी ऐड किया है और इसे रखा है, इसे पिघलने के लिए दिया है। अभी देखते हैं, ये अभी थोड़े देर में ये थोड़ा पिघल जाएगा, फिर मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मेरा मलाई कुल्फी। आप इसे घर में आराम से बना के खाइए और मुझे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसे बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू।